उनके लेफ्ट साइड से क्लोज इन करके एक और बंदे को फिनिश ऑफ कर सकते। तो फेनाटिक और सोल की भी ये फाइट डाउन हो रही है। ओएस यहाँ पे ट्रेड लिया, मॉडल को नॉकडाउन करते हुए दिख रहे हैं। ओएस दो किल ले लिए ओएस यहाँ पे, तो चले जाते फेनाटिक और सोल के तरफ। सोल के तरफ से सिर्फ दो ही बंदे बाकी रहते हैं, यहाँ पे क्लोज इन करते हुए दिख जाएंगे फेनाटिक के तरफ। फेनाटिक का भी एक प्लेयर नॉकडाउन हमें किल फीड में देखने को मिला, रेगल्टोस और अमन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज इन करने की ट्राई करेंगे डीपी के साथ। लेट्स सी रेगल्टोस क्या करेंगे। ओएस थोड़ा बहुत फ्लैंक पोजिशन पर जाने की कोशिश रहेगी, पर मेरे हिसाब से जो प्लेयर नॉकआउट होता है रिवाइव मिलता हुआ दिख रहा है। फ्रैंकी की तरफ डीपी के शॉट्स आते हुए दिख रहे हैं, पर शॉट जो है कनेक्ट नहीं होंगे। ओएस ने काफी प्यारा फ्लैंक कर लिया, एक एम से नॉकआउट किया। ओएस आज पूरे के पूरे फॉर्म में दिख रहे, एक लास्ट बंदा बाकी रहता है यहाँ पे। देखते हैं ओएस क्या अकेले पूरी की पूरी सोल की स्क्वाड को वाइप डाउन कर देंगे। अमन जो है यहाँ पे बनाना हाउस के पीछे हमें होल्ड इन करते हुए दिख रहे। लेट्स सी ओएस को पोजीशन पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्राई रहेगी कि अकेले पूरी के पूरी स्क्वाड वाइप डाउन कर ले। गैरी ने यहाँ पे एक बंदे को नॉकडाउन कर दिया, ओएस ने बैकअप बुला लिया। ओएस मेरे हिसाब से यस लीड कर सकता है, देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। ओएस यहाँ पे आगे जाने की ट्राई देगी, अमन ने स्पॉट किया। लेट्स सी अमन को फिनिश ऑफ करने देते हैं कि नहीं। यहाँ पे अमन की काफी लो हेल्थ यहाँ पे हो सकती है। अमन यहाँ पे स्पॉट होता है, स्काउट ने नॉकडाउन किया और इसी के साथ कार का रचा था और कार के साथ फिनिश ऑफ कर दिया। मेरे हिसाब से ये एक ट्राई था यहाँ पे टीम फेनाटिक के ओएस के लिए क्लच करने का। तो इसी के साथ 5 किल हमें देखने को मिल जाता है। टीम तमिलास के प्लेयर रोटेटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे क्लोजिंग करने की ट्राई कर रहे हैं मेरे हिसाब से, और स्लैमिंग कर दिया टीम तमिलास के प्लेयर ने। स्प्रे यहाँ पे आते हुए स्प्रे को नॉकडाउन कर दिया। बाकी के प्लेयर्स ने भी स्लैमिंग किया है कि नहीं देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये यहाँ पे स्लैमिंग करते हुए दिख जाएंगे, क्लास दो बंदे बाकी रहते। स्ट्राइकर से लास्ट का स्टैंडिंग, स्ट्राइकर यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। क्लच गॉड को एक बंदा नॉकडाउन है, पर उनको पीछे से भी शॉट इन पड़ सकते हैं। स्ट्राइकर से लास्ट का स्टैंडिंग यहाँ पे टीम तमिलास की तरफ से डेस्परेट स्लैमिंग आता हुआ दिख रहा है। एटीडी के पास फ्री के 4 किल्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो टीम तमिलास को ये सारी चीजें ध्यान रखनी, यहाँ पे किसी भी टीम को अंडरमाइन करने नहीं करना। ग्रेड आता हुआ दिख रहा है नियो की तरफ, यहाँ पे क्लच गॉड जो है फिनिश ऑफ हो जाएंगे। और नियो भी जो यहाँ पे काफी लो हेल्थ हमें देखने को मिल रहा है, नियो बैरली यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिख रहे हमें। सो लेट्स सी रिवर मिल पाता है कि नहीं। जॉनसन यहाँ पे नीचे आते हैं, मैन टीम यहाँ पे नॉकआउट हो रही है। स्प्रे को भी फिनिश ऑफ कर दिया, एक बंदा उनका खो दिया। वॉर हुई, कैजुअल्टी भी देखने को मिल गया एंटिटी की स्क्वाड की तरफ से, और टीम तमिलास की स्क्वाड यहाँ फिनिश ऑफ हो जाते हैं। जॉनथन ऊपर की साइड जाने की ट्राई करेंगे, नियो और जेड को जैसे कि आप देख सकते हैं काफी लो हेल्थ है दोनों की। M4 रीलोड में जाते हुए यहाँ पे कन्फर्म नहीं होंगे, पर वेनम ने यहाँ पे एश का किल जो है कन्फर्म कर दिया। सो एक फ्री किल टीम हाइप को मिलता हुआ दिख रहा है। जोन के बाहर यहाँ पे स्मोक ही नॉकडाउन होते दिख रहे हैं गॉर्डल की तरफ से। तो गॉर्डल की स्क्वाड क्रॉन्टन, लेट्स सी उन्हें रिवाइव डाउन कर पाते हैं कि नहीं। क्रॉन्टन स्मोक करके जा रहे हैं, आगे आ चुके हैं, रिवाइव भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। पर 6th phase जो है हमारा क्लोजिंग होना चालू हो जाएगा। मेगा के वैक्सीन यहाँ पे एक बंदे को नॉकडाउन कर दिया। एंटिटी के प्लेयर्स के पास 8 किल ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं हमें। सेल्स की स्क्वाड जैसा कि देखें उनके भी काफी कम बंदे बाकी, 3 बंदे बाकी, और अल्ट्रॉन की काफी लो एचपी है। एंटिटी के जेड कॉट ने यहाँ पे गॉर्डल के स्मोकी को नॉकडाउन करके फिनिश ऑफ कर दिया। सो क्रॉन्टन इज द लास्ट क्वेश्चन, क्रॉन्टन को भी फिनिश ऑफ कर दिया। टीम एक्सट्रीम की स्क्वाड यहाँ पे हाइप के SK49 को नॉकडाउन करते हुए दिख रहे हैं। मेगा के वैक्सी यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए दिख रहे हैं। सो पता नहीं मेरे हिसाब से ग्लिच हो चुका है यहाँ पे। मेगा की तरफ चले तो मेगा के वैक्सी नरूटो एंड पैरालॉक्स यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। नरूटो को जो कि इंसेन की स्क्वाड की तरफ से खेल रहे हैं यहाँ पे और सब्स्टिट्यूट है मेरे हिसाब से, तो देखेंगे वो क्या करेंगे। हम आगे सिल्स के एमजी जाके देखते हैं, प्ले जोन से नॉकडाउन होते दिख रहे, पर जो फिनिश ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। नरूटो और वैक्सीन के सामने स्पॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं भैया, स्पॉटिंग करते हैं यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर देंगे। इसी के साथ 10 किल यहाँ पे हाइप की स्क्वाड जो है कंफर्म डाउन करते हुए दिख रहे हैं। 4 टीम और 9 बंदे हमारे पास यहाँ पे बाकी रहे। टीम एक्सट्रीम के प्लेयर फिलहाल के लिए जोन में, एक बंदा जो है हील बैटल फिनिश ऑफ होते हुए दिख रहा है। जोन के बाहर डीमन को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे इजिली नॉकआउट करके। यहाँ पे हाइप के वेनम नॉकडाउन है, दो बंदे जो है वो क्लोजिंग करने का ट्राई करेंगे। एनडीटी की स्क्वाड फिलहाल के लिए काफी प्यारे रिच के साथ है। जेड गॉड के पास बात करें हम तो सिर्फ और सिर्फ एक M4 है और बाकी दूसरी गन जो है वो उन्होंने ऑब्वियसली फेंक दी है क्योंकि उनके बैक पे जो है वो स्पॉट हो जाते हैं। नियो ने जो है उन्होंने भी बैकपैक निकाल दिया मेरे हिसाब से, और डीपी और एक M4 यहाँ पे यूज डाउन करते हुए दिख रहे हैं। 8th phase हमारा बन चुका है, 32 सेकंड में हमारा लास्ट जोन जो है वो भी श्रिंकिंग होना चालू हो जाएगा। कैप्टन यहाँ पे काफी पैरा प्रोटोटाइप को नॉकडाउन किया। गुरका वेट यहाँ पे स्पॉट ऑन करते हुए दिख रहे हैं कैप्टन को, और काफी लो हेल्थ की, और कैप्टन ने यहाँ पे क्लच कर लिया है 1v2 और हाइप की स्क्वाड को फिनिश ऑफ कर दिया। नियो यहाँ पे कैप्टन को स्पॉट इन करते हुए दिख रहे हैं और एक की एचपी रहती है कैप्टन की। सो इट विल बी 2v2v1 फाइट यहाँ पे। कैप्टन इज द लास्ट स्टैंडिंग, नियो जो है क्लोजिंग कर सकते हैं। कैप्टन की एक एचपी यहाँ पे बचती है, नियो जो थोड़ा बहुत ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्स के प्लेयर ऑलरेडी होल्ड इन करते हुए दिख रहे हैं। नियो यहाँ पे शॉट इन करते हुए दिख रहे हैं। काफी बोल्ट मूव हमें नियो की तरफ से देखने को मिल चुका है यहाँ पे। नियो जो है फिनिश ऑफ हो जाएंगे। सो टीम एक्सट्रीम के प्लेयर देखते हैं क्या लो हेल्थ होते दिख रहे हैं, और इसी के साथ नियो को नॉकडाउन कर दिया। अल्ट्रॉन ने यहाँ पे जेड गॉड इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग फ्रॉम दैट टीम। नियो का रिवाइव होना बहुत मुश्किल हो सकता है। लास्ट फेज हमारा कुछ भी मोमेंट में बन सकता है, कितना छोटा जोन देखने को मिल चुका है आप लोग को। जेड गॉड इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग फ्रॉम दैट टीम, जो कि प्रोन हो के यहाँ पे स्पॉटिंग करने की ट्राई कर रहे हैं बंदों को। जेड गॉड की काफी लो हेल्थ होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, एक बंदे को स्पॉट किया, नॉकआउट करने की ट्राई की, पर सेल्स की स्क्वाड इसी के साथ चिकन